सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, जिसकी ने प्रिपरेशन किया के रखी हूँ। मुझे ऐसे ही पसंद है, जैसा कुछ ही वैसा आप काट सकते हो। ये टमाटर और बाकी के मसाले मैं आपको पकाते पकाते बताती रहूँगी। तो अब हम इसमें लेंगे तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल कांदा डाल के अच्छे से उसको पकने देंगे थोड़ा सा, जब तक कि अपना हमारा कांदा खाली थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा लाल पसंद नहीं है पास्ते में, जैसा आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये लाल भी हो गया है। अभी ये स्टेज पे हम लोग डाल देंगे टमाटर, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। कांदा ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो करें, लाल करना है करें, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप लोग कर सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। मैं इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप डाल सकते हो। मेरा कांदा तो ज़्यादा ही लाल हो गया, थोड़ा सा टमाटर होने तक के हम लोग इसको पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च, जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगे। थोड़ा सा ये गरम मसाला मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे तो डालें। देखिए हमारा टमाटर अच्छी तरीके से गल रहा है। आपको चाहिए तो आप इसमें कोई भी वेजी डाल सकते हो, जैसे शिमला हो गई, गाजर, बीन्स, जो भी आपको चाहिए आप डाल सकते हो। मुझे सिंपल ही पसंद है, मैं सिंपल ही बनाती हूँ। देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी डालेंगे, सॉरी ये मैक्रोनी है। आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं इसमें शेजवान सॉस थोड़ा सा, थोड़ा सा टमेटो केचप, जिसको पसंद है वो डालें, ना कोई बात नहीं है। और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के लिए पास्ता मसाला, जो कि चीज़ वाला आता है। मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप लोग को जैसा ठीक लगे आप वैसे डालें। इसको थोड़ा और चीज़ी करने के लिए मैंने इसमें चीज़ डाला है, बताना भूल गई। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऊपर से थोड़ा चीज़ डालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और इसको प्लेटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और इसमें अगर आपको चाहिए तो आप ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं डालूँगी। और हमारा पास्ता रेडी है। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।